अब आप झारखंड में भी देख लीजिए, और सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, बीजेपी का एकमात्र काम है कैसे एक ही समाज को आपस में लड़ा दिया जाए, कैसे जो है उनके बीच में अंतर विरोध पैदा कर दिया जाए। और झारखंड के लोग जब आपस में लड़ने लगेंगे तो झारखंड का खान खदान फैक्ट्री खेत एयरपोर्ट रेलवे सब अपने दोस्त को बेच दिया जाए। ये मॉडल हम लोगों को समझना पड़ेगा, और इस मॉडल के चलते लगातार अन्याय हो रहे हैं। अगर आप किसान की बात करेंगे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक साल में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, श्रमिकों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप बताइए, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार ने कानून बनाया, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार ने कानून बनाया कि 8 घंटा का काम करना पड़ेगा, 24 घंटा होता है, 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का, और 8 घंटा किसी चीज के सृजन करने का, सोचने का। मजदूर को भी हक है कि वो भी जो है टीवी देखे, समाचार सुने, कविता लिखे, कुछ बनाए, कुछ पढ़े, कुछ गढ़े। ये जो 8-8 घंटे का नियम बनाया था, कहीं ये नियम अब लागू हो रहा है? आप सब लोग मीडिया सेक्टर में ही हैं, बता दीजिए, 8 घंटा काम करते हैं कि 8 घंटा से ज्यादा काम करते हैं? लेकिन आपको मजबूरी में काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कानून को कमजोर किया जा रहा है। कानून को किस लिए कमजोर किया जा रहा है? मालिकों के पक्ष में। और मालिकों के पक्ष में क्यों कमजोर किया जाता है? क्योंकि मालिक चंदा दे रहे हैं सरकार को, इसीलिए सरकार आज आम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी बार बार बोले कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, और जब वो लोगों से मिले तो ऐसा महसूस हुआ कि हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, हर वर्ग के साथ, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना बहुत जरूरी है, और इस न्याय के लिए ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है। और इसमें हम आपके सामने कह रहे हैं कि हम जिस भी राज्य में जा रहे हैं, उस राज्य के लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में भी पेशा कानून की बात की गई, सरना कोर्ट बिल की बात की गई, और यहाँ के पब्लिक सेक्टर को जिस तरीके से बेचा जा रहा है उसको बचाने की बात की गई, यहाँ के किसानों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, गरीबों की, और यहाँ के जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनके जो सवाल हैं उसको हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। और हमारा यह मानना है कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही प्रभाव है कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ जो है इनके पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है कि ये साम दाम दंड भेद लगा करके उस जगह की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ की सरकार को भी अस्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन मैं आप सबको एक बात कह देना चाहता हूं कि चाहे ये जितनी भी ताकत लगा लें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की पुनर्स्थापना किए बिना रुकने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।